स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में ड्रेरी क्लासेस में। स्टूडेंट हो क्या रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और हमने आपसे बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर पॉइंट चार्ज की वजह से पैदा हो रहा है तो इक्वल टू होता है 1/4π0Q/r2। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल होने की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो थ्री हो जाता है। फर्स्ट होता है किसी भी जगह पे, एट एनी पॉइंट पे, इन डाउन पोजिशन पे या फिर ब्रॉडसाइड ऑन पोजिशन पे। तो मैंने दो चीज देख लिया था, एक सपोज करो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इधर इन डाउन पोजिशन मतलब होता है कि एक्सिस पे इधर हो गया, तो यहां पे या फिर इधर, तो जो फार्मूला आया था इक्वल टू कैपिटल के 2π/r³ आया था। अब ब्रॉड साइड पोजिशन पे जो आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सियल का क्या हो गया था, हाफ हो गया था, यानी कि इक्वल टू के π/r³। लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हैं आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में देखना है आप लोगों को और सच से समझना है। तो मैं 100% गारंटी रखता हूं कि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस करना क्या है, आपको सिर्फ इस वीडियो को आराम से लास्ट तक देखना है और नोट्स को भी बनाते रखना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी लेक्चर में, कोई भी टॉपिक समझने में, तो क्या करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे प्रोवाइड कराया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए और आपके प्रॉब्लम जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, 100% क्लियर होगा। या आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है बच्चों तो प्लीज क्या करिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी लेक्चर है सब आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब आपको बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम फिगर इसका बनाते हैं, तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे फिर समझ लेंगे मजा आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पे चार्ज माइनस क्यू, यहां पे चार्ज प्लस क्यू। इसको आपको अच्छे से समझना है, एक मैंने क्या बनाया इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया और एक तरफ चार्ज माइनस क्यू है और दूसरी तरफ क्या है चार्ज प्लस क्यू है, और उनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस, इसको अगर मिड पॉइंट सपोज कर लू, मिड पॉइंट क्या सपोज करें स्टूडेंट, मिड पॉइंट ओ, तो उनके बीच का डिस्टेंस 2L होता है, तो इसको क्या करेंगे हम L बना देंगे और ये क्या हो जाएगा L। अब देखो ध्यान से, अब यहां मिड पॉइंट से ना तो पॉइंट इधर है, ना तो पॉइंट इधर, ना तो ऊपर ना तो नीचे, यहां से थीटा एंगल पर, इसको मैं ओ सपोज कर रहा हूं, यहां से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर किस एंगल पे, थीटा एंगल पर कोई भी पॉइंट आप सपोज कर लीजिए पी, और आपको इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आज मैं यहां पे बच्चों पी ना सपोज करो, पी सपोज करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉइंट पी क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अच्छा एक बात पहले समझाते हैं आप लोगों को, देखिए ये जो डायपोल मोमेंटम होता है आपको पता ही है, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम होता है ये माइनस क्यू से किधर होता है प्लस क्यू की ओर, तो ये है वेक्टर पी। इसको क्या कर सकते हैं आप दो कंपोनेंट में कर सकते हैं, तो एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा इस तरफ, और एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम इधर था, इसके मैंने कितने कंपोनेंट कर दिए, दो कंपोनेंट, तो इस पर जो कंपोनेंट है देखो ऐसे वेक्टर पी था, इस पे आया है और एक कहां चला है नीचे, यानी किसका एक कंपोनेंट इस पे गया एक कंपोनेंट इस पे, अब कौन साइन होगा कौन कॉस होगा, देखो अभी क्या करे इसके साथ एंगल बना रहा है, ये हमारा हो जाएगा इस पे पी कॉस थीटा, और इस पे क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। तो अब सुनो ध्यान से, अभी जो इलेक्ट्रिक डायपोल था एक, अब उसमें दो में कन्वर्ट हो गया, एक डायपोल मोमेंटम आपका इस तरफ है
और एक डायपोल मोमेंटम इस तरफ है। तो आपको क्या ये समझ में आया है कि किसे बांट दिया? देखो ये आपका ऐसे वेक्टर पी था, तो एक इधर हो गया और एक इधर, वर्टिकली बटता है। तो यहां पर समझा दे रहा हूं, देखो ये वेक्टर पी था, तो एक क्या हो गया इस तरफ और एक क्या हो गया इस तरफ। तो इनके बीच जो एंगल बना वो कैसा है? 90 डिग्री ही है। तो इसको मैंने क्या किया, पी कॉस थीटा सपोज कर लिया, इसको जो सपोज कर लिया पी साइन थीटा। तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर दो डायपोल हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं, एक डायपोल इधर हो गया एक डायपोल इधर हो गया। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो दो डायपोल की वजह से निकालना है, एक जिसका मोमेंटम पी कॉस थीटा है, जिसका मोमेंटम क्या अगला पी साइन थीटा है। तो अब दिमाग में सबसे पहले ये बात आना चाहिए कि किसके लिए इन डाउन पोजिशन पे होगा, किसके लिए ब्रोड साइड डाउन पोजिशन पे। आपका पॉइंट इधर था, तो पी कॉस थीटा जो है वो किस पे है? इन डाउन पोजिशन पे। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, अगर इस डायपोल को देखा जाए, इस डायपोल को, तो ये क्या है, इसके एक्सिस पे है, इन डाउन पोजिशन पे है ना। तो पी कॉस थीटा की वजह से जो वहां पे फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा? टू पी वाले का। तो पी कॉस थीटा किस पे है? इन डाउन पोजिशन पे। लेकिन इसके लिए देखो ध्यान से, ये किस पे है? ब्रोड साइड डाउन। यहां पे देखो ब्रोड साइड डाउन क्या है? ब्रोड साइड डाउन पोजिशन पे है। तो आपका जो यहां पे पी साइन थीटा है वो किस पे है? ब्रोड साइड डाउन पोजीशन पे हो गया। अब ये एक्सिस पे है और ये क्या, इक्वेटोरियल पे है। तो इसकी वजह से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, यहां पे मैं राइट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा। तो भैया इसके लिए क्या एक्सिस पे है तो टू लगेगा फॉर्मूला, देखो ऐसे हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल के टू पी अपॉन आर क्यूब होता है, ये डिस्टेंस आर है, टू पी अपॉन आर क्यूब। और लेकिन यहां पर इसका मोमेंटम कितना है? पी कॉस थीटा है, यहां पे टू पी कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा वो देखिए। अच्छा एक बात और, इसकी दिशा देखो ध्यान से, एक्सिस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो नेट वाला, उसकी दिशा किधर थी? बाहर थी, ये इवन हो गया बाहर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा। तो इसके लिए क्या है? ब्रोड साइन पोजिशन पे, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया था? ई वन है, ये ई टू के पी अपॉन आर क्यूब, बट ये मोमेंटम इसका कितना है? पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो अभी मैंने बताया कि ब्रोड साइड, अभी नहीं कुछ देर कल बताया था बच्चों, तो ब्रोड साइड पोजिशन पे क्या होता है कि आपका डायपोल मोमेंटम अगर इधर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका यह उल्टा होता है। तो आपका जो ए टू होगा वो ए टू कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से देखो अभी कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं? 90। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इक्वल टू रिजल्टेंट, ऐसे देखो रिजल्टेंट यही ई है, और सपोज कर लेते हैं इसके साथ क्या बनता है एंगल फाइव, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है ई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ई वन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं सोचता हूं कि आपको क्या करिए, इतना पूरा नोट कर लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। ए वन कितना है के टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर, यहां पे फिर के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर। तो जो कॉमन है कॉमन करके उसका होल स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, यहां पे क्या बचा टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर के पी अपॉन आर क्यूब, फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सही करके ऐड कर दो तो इज इक्वल टू आ जाएगा केपी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर, ये फाइनल फार्मूला है। तो इस फार्मूले को मैं वहां पर ऐड कर देता हूं इस जगह पर, तो वो आपका हो जाता है ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसी भी पॉइंट पे, बहुत ध्यान से देखिएगा ये किसी भी पॉइंट पे होता है, भूलना मत एट एनी पॉइंट। इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी दिशा की बात मैं कर दू, डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन आप ऐसे निकाल नहीं सकते, यहां पे एंगल बनाया है, एंगल के साथ निकालेंगे टेन फाइव कल टू परपेंडिकुलर, देखो यहां पे टेन फाइव कल टू इसको क्या कर दे परपेंडिकुलर डाल दे तो ई टू ये नीचे क्या है ई वन, तो टेन फाइव इज इक्वल टू ई टू अपॉन ई वन, ये दिशा है। तो इसको सॉल्व करने पर ई टू ई टू और ई वन की वैल्यू रखने पर आपको मिलेगा टेन फाइव कल टू हाफ tan थीटा, tan फाइव का टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हाफ tan थीटा हो जाएगा। तो याद रख लो फार्मूला पहले इन डाउन पे क्या होता है e इज इक्वल टू के टू पी अपॉन आर क्यू, ब्रॉड साइन पोजिशन पे क्या होता है इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, लेकिन कहीं पर भी क्या होता है फार्मूला इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। दर्शन की बात कर दिया जा रहा है tan फाइव का टू हाफ tan थीटा। तो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स।